नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के भाग 7 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कृषि की उत्पत्ति के भाग 6 के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि आधुनिक युग में जो फसलों का विस्तार है वो किस तरह से हुआ। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं कि कृषि तकनीक का प्रसार एवं विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो कृषि तकनीक के विस्तार का इतिहास पर्याप्त रोचक है। तो यदि हम कृषि तकनीक के इतिहास के बारे में बात करें तो उसके विस्तार का जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है। वस्तुतः पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन समाजों में प्रयुक्त तकनीकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन समाजों में जो तकनीक काम में ली जाती थी, यदि उस तकनीक के बारे में बात करें तो उसके बारे में हमारे पास में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। सभ्यता के आदि काल में मानव का एक महत्वपूर्ण उपकरण अग्नि था। तो सभ्यता का जो आदि काल था उसमें मानव का जो एक महत्वपूर्ण उपकरण था वो अग्नि था। अग्नि के प्रयोग ने उसे वन्य जीवों, पशुओं व पेड़ पौधों पर नियंत्रण करने का मनोनुकूल कौशल प्रदान किया। तो अग्नि के प्रयोग से क्या था, उसने अपनी खुद की रक्षा वन्य जीवों से करी और पशुओं व पेड़ पौधों पर भी उसने नियंत्रण अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त किया। उसने पत्थरों के औजार बनाए और खरल, ओखली व चक्की जैसी काम की वस्तुओं का विकास किया। धीरे धीरे उसने अग्नि का आविष्कार के बाद में पत्थरों से औजार बनाने शुरू कर दिए और अपने काम की वस्तुएं भी जो हैं पत्थरों से बनानी शुरू कर दी। वह फसलों को बोने के लिए कुल्हाड़ी, अग्नि और कुदाल छड़ी का प्रयोग करता, जैसा आजकल भी मिजोरम, मेघालय व नागालैंड के झूमिंग कृषि करने वाले झूमिया इस तकनीक में आस्था रखते हैं। तो उसने क्या किया, फलों को या फसलों को बोने के लिए कुल्हाड़ी, अग्नि, कुदाल छड़ी इत्यादि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग वर्तमान में भी मिजोरम, मेघालय व नागालैंड में जो झूमिंग कृषि करने वाले झूमिया लोग होते हैं वो इनका प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। 8000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्यकाल में अनातोलिया में तांबे, कांसे व लोह धातुओं का विकास हुआ और इनसे अधिक अच्छे कृषि उपकरण व औजारों का निर्माण संभव हुआ। तो यदि 8000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्यकाल में अनातोलिया में बात की जाए तो वहां पर तांबे, कांसे और लोह धातुओं का विकास होने के कारण अच्छे प्रकार के कृषि उपकरण व औजारों का निर्माण संभव हो सका था। वनों में आग लगाकर तथा वनस्पति को जलाकर तथा झाड़ झंकाड़ को साफ कर कृषि भूमि प्राप्त करने की प्रथा सर्वव्यापी थी। तो वनों में जो है आग को लगाकर, वहां वनस्पति को जलाकर और उस भूमि को साफ करके वहां पर कृषि करने की जो प्रथा थी वो सब जगह व्यापी थी, या ऐसे कह सकते हैं कि वो विख्यात थी सभी जगह, जिसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता था। यहाँ इस स्लाइड पर झूमिंग कृषि को दिखाया गया है कि झूमिंग कृषि करने से पूर्व किस तरह से वनों में आग लगा करके उस भूमि को साफ करके उस स्थान पर कृषि की जाती है। इसके उपरांत महत्वपूर्ण घटना 4000 ईसा पूर्व की है, जब मेसोपोटामिया, सुमेरिया व मिश्र देशों के कृषक अपने खेतों को जोतने के लिए
लकड़ी का बना हल जिसे अर्ध के नाम से जाना जाता है उसका प्रयोग करने लगे। तो 4000 ईसा पूर्व की जो महत्वपूर्ण घटना है उसमें क्या हुआ, मेसोपोटामिया, सुमेरिया और मिश्र देशों के जो किसान थे उन्होंने अपने खेतों को जोतने के लिए एक लकड़ी का बना हुआ हल जिसको अर्ध कहते हैं उसको प्रयोग में लेना प्रारंभ कर दिया। मेसोपोटामिया का आदि हल मात्र एक वक्राकार लकड़ी का कुंदा था जिससे चकमक पत्थर जुड़ा रहता था। तो वो जो हल था जिसको अर्ध के नाम से जाना जाता है वो कोई विशेष प्रकार का हल नहीं था, सिर्फ एक वक्राकार लकड़ी का कुंडा जैसा था जिसमें आगे की तरफ एक पत्थर जिसे चकमक पत्थर कहते हैं वो जुड़ा रहता था। इस हल का प्रयोग सहारा के दक्षिण में बसे अफ्रीकियों और पॉलिनेशिया के आदिवासियों के अलावा सभी मुख्य कृषि समुदाय में प्रचलित था। तो सभी प्रकार के जो मुख्य कृषक समुदाय थे उसमें ये हल जो था वो प्रचलित था। यह चकमक पत्थर के फल वाला हल अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ और केवल ढीली मुलायम मिट्टी को उसेरने भर की शक्ति रखता था। तो इस चकमक पत्थर के जो हल था वो बहुत प्रभावी नहीं था क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कठोर मिट्टी को भी उसेर सके, तो केवल ढीली और मुलायम मिट्टी को उसेरने के लिए उसको काम में लिया जा सकता था। अतः 1000 ईसा पूर्व के अंतिम भाग में लो फल वाला हल भूमध्य सागरीय प्रदेश व चीन में कृषि का सामान्य उपकरण था। तो 1000 ईसा पूर्व के अंतिम भाग की बात करें तो उस समय लोहे के फल वाला हल जो है वो काम में लेने लगे थे और वो भूमध्य सागरीय प्रदेश और चीन में कृषि का सामान्य उपकरण था जिसे खेत जोतने के लिए जुताई करके बैलों की जोड़ी खींचती और आड़ी तिरछी जुताई कर मिट्टी के संरक्षण में सहायता प्राप्त की जाती थी। तो वो जो लोहे के फल वाला हल था उसको प्रयोग में लेने के लिए जो बैलों की जोड़ी थी वो उसको खींचती थी। कृषि के प्रागैतिहासिक काल में फसलों की बुवाई अत्यंत साधारण विधि अर्थात बीजों को बिखेर करके की जाती थी। तो यदि कृषि के प्रागैतिहासिक काल में यदि फसलों की बुआई के बारे में बात की जाए तो उस समय में बहुत ही साधारण विधि अर्थात मतलब बीजों को खेतों में बिखेर करके खेती की जाती थी। यह ढंग भारत, चीन व यूरोप में 19वीं शताब्दी तक प्रचलित था। तो यह जो कृषि करने की विधि थी वो भारत, चीन और यूरोप में 19वीं शताब्दी तक ही प्रचलित थी। आज भी विकासशील देशों के अनेक भागों में बीज बिखेर करके ही उपजे उत्पन्न की जाती है। यदि विकासशील देशों की बात करें तो वर्तमान में भी जो ये सामान्य विधि है जिसमें बीज बिखेर करके फसलें उत्पन्न की जाती है वो विकासशील देशों में प्रचलित है। संभवतः हैरो का प्रयोग सर्वप्रथम रोमवासियों, भारतीयों व चीन वासियों द्वारा किया गया। यदि हम हैरों की बात करें तो हैरों का जो प्रयोग है सबसे पहले रोम वासियों, भारतीयों व चीन वासियों द्वारा किया गया है। इन देशों में किसान पशु खाद के प्रयोग से अवगत थे। यदि इन देशों में बात की जाए जैसे कि रोम, भारतीय और चीन वासियों को पशु के खाद के प्रयोग के बारे में भी मालूम था कि किस तरह से पशु की जो खाद होती है वो खेतों में काम में ली जा सकती है। दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पेरू के किसानों में सीढ़ीनुमा खेत तैयार कर कृषि करने की तकनीक प्रचलित थी। तो यदि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया और पेरू के बारे में बात की जाए तो वहां के किसानों में
सीडी नुमा खेत बनाकर कृषि करने की जो तकनीक थी उसके बारे में ज्ञान था और वो उसी के अनुसार कृषि करते थे। परंतु मिश्र व दक्षिण पश्चिम एशिया के भागों में साधु सिंचाई तकनीक के प्रयोग द्वारा कृषि कार्य भी सामान्य था, और मिश्र और दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ भागों में जो साधु एक जो ट्रेडिशनल सिंचाई का सिस्टम था उसके प्रयोग के बारे में भी ज्ञान था और उसके द्वारा कृषि कार्य करने की जो विधि थी वो वहां पर सामान्य रूप से प्रचलित थी। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में कैस्पियन सागर के समीपस्थ क्षेत्र से हुआ। तो आर्यों के यदि आगमन की बात की जाए तो वो कैस्पियन सागर के समीप के भाग से भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यहाँ इस स्लाइड पर हैरो को दिखाया गया है कि हैरो देखने में किस तरह का लगता है। वे कांस्य युग के लोग थे जो युद्ध क्षेत्रों में उन्होंने कांस्य तलवार व अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथों से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व रोपड़ के नगरवासियों पर अपनी महानता सिद्ध की। तो जो आर्य थे वो कांस्य युग के लोग थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में कांस्य तलवार, अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व रोपड़ के नगरवासियों पर अपनी महानता को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोह धातु की खोज हुई और उन्होंने शीघ्र ही लोह तकनीक में स्वामित्व अर्जित कर लोह फलक वाले हल द्वारा नवीन विस्तृत क्षेत्र को कृषि के अधीन बनाया। तो 1000 ईसा पूर्व में जैसे ही लोह धातु की खोज हुई तो उससे क्या हुआ कि लोह तकनीक का जो स्वामित्व था वो आ गया और सभी जो चीजें थी वो लोहे से बनने लगी और जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि की जा सकती थी। भारत में उत्तर प्रदेश व बिहार के वनाक्रांत क्षेत्रों को लोह तकनीक द्वारा ही विजित कर आर्य सभ्यता के केंद्रों का विस्तार संभव बना। जैविक खाद का प्रयोग और हल के उपयोग के अतिरिक्त यद्यपि विशिष्ट कोटि की कृषि का विकास संभव नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैविक खाद का प्रयोग और हल के उपयोग के अलावा कोई भी विशेष प्रकार की तकनीक का विकास जो था वो अब तक संभव नहीं हुआ था। भारत में जाति प्रथा के कारण बौद्धिक एवं श्रम कार्यकर्ताओं में विभाजन से कदाचित संभावित प्रगति नहीं हुई थी। तो भारत की यदि बात करें तो जाति प्रथा के कारण और बौद्धिक व श्रम का जो विभाजन था उसके कारण जो जितनी प्रगति यहाँ संभावित थी उतनी प्रगति यहाँ पर नहीं हो पाई थी। यूरोप में 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक गाड़ी नुमा असममित हल प्रयोग में आता था। तदुपरांत दो पहियों के हल का विकास हुआ, इसे घोड़ा खींचता था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, दो पहियों के हल का भी विकास हो गया जिसे घोड़े द्वारा खींचा जाता था। घोड़े की गर्दन पर प्रयोग में आने वाला जुआ भी में भी बदलाव आया। पहले घोड़े की गर्दन तंग जुए के कारण इतनी कसी रहती थी कि उसे सांस भरने में भी कठिनाई अनुभव होती थी और हल को खींचने की शक्ति अत्यधिक सीमित हो जाती थी। इस असुविधा को दूर किया गया। तो घोड़े की गर्दन पर जो जुआ लगाया जाता था वो प्रारंभ में बहुत कसा हुआ था, धीरे धीरे उसमें भी कुछ जो तक उसकी तकनीक का जो विकास करके उसमें इस तरह का बनाया गया ताकि घोड़े को हल को खींचने में तकलीफ ना हो। यह तकनीक परिवर्तन कृषि इतिहास में महत्वपूर्ण था। चीन में आविष्कृत गद्दे नुमा कॉलर ने घोड़ों को अधिक शक्ति से हल खींचने व भारी सामान ढोने की क्षमता प्रदान की। तो चीन में
एक गद्दी नुमा कॉलर का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, घोड़े को हल खींचने में बहुत ही सुविधा हुई और वो भारी सामान को भी ढोने की क्षमता उसमें हो गई। कुछ किसान बैल द्वारा खेत जोतते थे। जो कुछ किसान थे वो खेत को जोतने में घोड़े के स्थान पर बैलों का प्रयोग करते थे। कुछ दो बैलों की जोड़ी का प्रयोग करते और आवश्यकता पड़ने पर विषम ऊंची नीची भूमि को जोतने के लिए 4 से 8 बैलों को भी जोतते देखे जाते थे। यानी कुछ किसान थे जो बैलों की जोड़ी काम में लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर 4 से 8 बैलों को भी खेतों को जोतने में काम में लेने लगे। अनाज को उसेलने के लिए वायव्य शक्ति का प्रयोग आदिकालीन पवन चक्की द्वारा होता था। इन सभी तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज उत्पादन क्षेत्रों और साधनों का विस्तार हुआ। तो जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ, बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का विस्तार जो है वो प्रारंभ हो गया। 19वीं शताब्दी का मध्यकाल कृषि तकनीक में वृहद विभाजन काल था। तो 19वीं शताब्दी के यदि मध्यकाल की बात करें तो वो कृषि तकनीक में वृहद विभाजन काल के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में 1779 ईस्वी में इंजन के आविष्कार ने खेती में भी क्रांति उत्पन्न करी, जिसके फलस्वरूप यूरोप की मध्यकालीन कृषि प्रारूप में पूर्णतः परिवर्तन आया। तो इंग्लैंड में जैसे ही इंजन का आविष्कार हुआ, उससे खेती में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग अनाज से भूसा अलग करने की मशीनों और खेतों की सिंचाई करने वाले पंपों में 19वीं शताब्दी के आरंभ काल में हुआ। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ काल में क्या हुआ, भाप की शक्ति का भी प्रयोग होने लगा। सन 1890 में उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विकास ट्रैक्टर का आगमन था। तो 1890 तक आते आते जो ट्रैक्टर का विकास था वो भी हो गया, जिससे गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में बहुत ही सुविधा उत्पन्न हुई। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, ट्रैक्टर को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। आयोवा का एक किसान जो लाहार भी था, जॉन फ्रॉलिक ने सन 1892 में इसे उसने गैसोलिन ट्रैक्टर बनाया। तो 1892 में जो था वो गैसोलिन ट्रैक्टर का विकास भी हो गया था। तदुपरांत सन 1910 में आंतरिक दहन गैस इंजन के ट्रैक्टर का विकास हुआ। तो 1910 में जो था आंतरिक दहन गैस इंजन के ट्रैक्टर का विकास भी हो गया। सन 1931 में डीजल इंजन से चलने वाले ट्रैक्टर का विकास हुआ, जो अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी खींचने की शक्ति से संपन्न था। तो 1931 में डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर का विकास हुआ, जो विपरीत परिस्थितियों में भी ट्रैक्टर को खींचने की शक्ति उसमें थी। ट्रैक्टर के आगमन से घोड़ा, बैल, भैंस, खच्चर को शनै शनै खेतों से हटाकर उनको निजात दिलाई और श्रम एवं पशुओं के लिए खाद्यान्न की बचत भी होना आरंभ हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही ट्रैक्टर का विकास हुआ तो जो खेतों में पशुओं को काम में लिया जाता था उनको वहां से रिप्लेस कर दिया गया और उनको इस श्रम कार्य से जो है निजात मिल गई। परिणामतः विश्व भर में सन 1991 में ट्रैक्टरों का उत्पादन 2.25 करोड़ तक जा पहुंचा और इनमें से आधे से अधिक का निर्माण अकेले उत्तरी अमेरिका में हुआ। तो 1991 में जो ट्रैक्टरों का उत्पादन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिसमें से आधे से अधिक ट्रैक्टरों का जो निर्माण है वो सिर्फ उत्तरी अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य में
इस तकनीकी परिवर्तनों का विस्मयकारी परिणाम सामने आया। जहां पहले सन 1800 में 95% लोग खाद्यान्न उत्पादन करने हेतु फार्मों पर रहते थे, वह शेष 5% अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था, एक परिवर्तन आया जिसमें 1800 की बात की जाए तो उस समय 95% लोग खाद्यान्न उत्पादन करते थे और 5% अन्य प्रकार के व्यवसायों में जुड़े हुए थे। और इसका जो परसेंटेज था 95% इन तकनीकों के विकास के कारण इस परसेंटेज में बहुत परिवर्तन आया। आज वहां केवल 25% फार्मों पर बसे लोग और 75% जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर पर्याप्त मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मंडी में निर्यात हेतु भेजने में समर्थ है। इस आमूल परिवर्तन का श्रेय कृषि करने की नवीन तकनीक, विशेषतः ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीन हार्वेस्टर और खेतों में रासायनिक खाद के प्रयोग को जाता है। तो जो कृषि की नवीन तकनीक का जो विकास हुआ है, या हम जो कह रहे हैं कि पहले 95% लोग खाद्यान्न उत्पादन करने में लगे हुए थे, उनका जो परसेंटेज कम हुआ है, उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद का जो प्रयोग खेतों में होने लगा है, उस तकनीक के कारण इस तरह का परिवर्तन संभव हुआ है। हाशिए का स्थान यूरोप में सन 1930 में हार्वेस्टर ने ले लिया। यहां इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं हार्वेस्टर को दिखाया गया है कि फोटो के माध्यम से कि हार्वेस्टर किस तरह से कार्य करता है। रासायनिक खाद का आगमन सन 1945 में संभव हुआ और कीटनाशक दवाओं की उपलब्धि द्वितीय विश्व युद्ध तक संभव नहीं हो सकी थी। तो रासायनिक खाद का जो आगमन था वो 1945 में संभव हो गया था, लेकिन कीटनाशक या पेस्टिसाइड की जो बात करें वो द्वितीय विश्व युद्ध तक संभव नहीं हो सका था। अब खेती में अधिक उत्पादन हेतु नवीन तकनीक सहित इन नवाचारों जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं, फफूदनाशी, शाकनाशी, कृंतकनाशी आदि का प्रयोग विकसित व विकासशील देशों के संपन्न कृषकों द्वारा किया जा रहा था। तो खेती में जो नवीन तकनीक की बात की जाए, वो जो विकसित एवं विकासशील देशों के संपन्न जो कृषक थे, उनके द्वारा बहुत से कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि विस्तार, उसमें गहनता और परिष्कृत तकनीक के प्रयोग ने विश्व के फसली प्रारूप में मौलिक बदलाव उत्पन्न कर दिया। इस क्रांति से बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन और कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिला। यद्यपि इन विकासों ने पर्यावरण को विपरीत दिशा में प्रभावित कर प्रदूषित किया। तो ये जो क्रांति आई, इस क्रांति के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन मिला और कृषि पर जितने भी आधारित उद्योग थे, जो कच्चे माल पर आधारित थे, उनको कच्चा माल मिला। विकास बहुत हुआ लेकिन पर्यावरण को भी क्षति हुई और पर्यावरण प्रदूषण जो था वो बढ़ गया। यहाँ इस स्लाइड पे दिखाया गया है कि पेस्टिसाइड को कृषि में किस तरह से उपयोग में लिया जा रहा है। इसी के साथ यह विषय समाप्त होता है और इस स्लाइड पर कृषि भूगोल से संबंधित बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप कृषि भूगोल से संबंधित किसी अन्य टॉपिक का या कृषि की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो पुस्तक संदर्भ यहाँ इस स्लाइड पर दिया गया है। इसी के साथ यह विषय यहीं समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृषि के उत्पत्ति से संबंधित 7 वीडियो बनाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है जिसका किसी एक वीडियो के द्वारा अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए आप इस विषय को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसके 7 वीडियो का अध्ययन जरूर करें। अंत में आप सभी का
पुनः एक बार धन्यवाद।